आप सभी YouTube तो यूज करते ही होंगे, YouTube यूज करते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, लेकिन क्या पता है आपके YouTube के अंदर भी कुछ शॉर्टकट कीज है वीडियो प्ले करने के लिए, पॉज करने के लिए, फास्ट प्ले करने के लिए। यस जी हाँ दोस्तों, कुछ शॉर्टकट है YouTube के जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप रेगुलर YouTube व्यूअर हो तो। चलिए शुरू करते हैं ये टेक्नोलॉजी भरा वीडियो। कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। कंप्यूटर में स्मार्ट बनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए, लैपटॉप और डेस्कटॉप पे यूट्यूब अगर आप यूज करते हो और अगर आपको स्मार्टली यूट्यूब यूज करना है तो ये शॉर्टकट जानना बहुत जरूरी है। तो कौन से है वो शॉर्टकट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल मैं यहाँ पे 15 शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट है उसमें यूट्यूब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने एक वीडियो विजिट किया है और इस वीडियो को मैं मिनी प्लेयर में ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं बस आई बटन प्रेस करूँगा यहाँ पे। तो जैसे मैं आई बटन प्रेस करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में ये वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में, और यहाँ पे मैं प्ले करूँगा तो चालू रहेगा ये वीडियो। फिलहाल मैंने इसका आवाज़ तो म्यूट करके रखा है, लेकिन कनेक्ट करना पड़ता है मतलब वाईफाई, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आवाज़ अभी चालू किया था, तो यहाँ पे ये कंटिन्यू चालू रहेगा मिनी प्लेयर में राइट कॉर्नर में। अगर आप दोबारा आई प्रेस करते हो तो ये नॉर्मल मोड में आ जाता है, जैसे नॉर्मल मोड था वैसे। आई प्रेस कीजिए मिनी और आई प्रेस कीजिए नॉर्मल मोड में। अगर आप इसे सिनेमा व्यू में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टी बटन प्रेस करना है, बस सिंपल है। टी बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे जो साइड में आपको अलग अलग वीडियोस दिखाई दे रहे थे वो अभी नहीं है, दोबारा टी बटन प्रेस कीजिए, आप देख सकते हैं नॉर्मल व्यू में आप आ चुके हैं, वीडियो हमारा वैसे ही चालू है नॉर्मल व्यू के अंदर। अब मैं इस वीडियो को फुल स्क्रीन में देखना चाहता हूँ, एफ। अब आप देख सकते हैं ये वीडियो फुल स्क्रीन में चल रहा है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस करता हूँ, ये एस्केप बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन क्लोज हो चुका है, वीडियो तो मैंने पॉज कर दिया। वीडियो आप माउस से क्लिक करके पॉज कर सकते हैं, लेकिन आपको कीबोर्ड से अगर करना है पॉज तो उसके लिए आपको के बटन प्रेस करना है। देखिए मैं के प्रेस कर रहा हूँ प्ले हो रहा है, के प्रेस कर रहा हूँ पॉज हो रहा है, तो पॉज के लिए कीबोर्ड से डायरेक्ट शॉर्टकट है के, कैसे पॉज होता है और प्ले होता है याद रखना है। हम दरअसल स्पेस यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेस से क्या होता है कभी कभी ब्राउज़र स्क्रॉल भी हो जाता है, तो उसकी जगह आप के कीबोर्ड पे अगर डायरेक्ट प्रेस करते हो तो पॉज और प्ले हो जाता है, सिंपल है। तो मैंने आपको कुछ शॉर्टकट कीज बताई, आई देन टी देन एप फॉर फुल स्क्रीन, उसके बाद पॉज करने के लिए के। अब मुझे वीडियो थोड़ा सा फास्ट आगे लेना है, मतलब थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना है जैसे प्ले हो रहा है और 10 सेकेंड आगे जाना है, तो मैं एल बटन प्रेस करूँगा, 10 सेकेंड फॉरवर्ड हो जाएगा वीडियो। देखिए एल बटन प्रेस करेंगे आप देख रहे हैं बीच में एक छोटा सा आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है 10 सेकेंड्स का, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ बीच में आपको दिख रहा है 10 सेकेंड्स आगे जा रहा है। अगर मैं 10 सेकेंड्स पीछे लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जे बटन प्रेस करते जाऊँगा और आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखाई दे रहा है वीडियो के ऊपर बीच में। देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं माउस से दिखा रहा हूँ आपको, तो वीडियो के ऊपर बीच में आप देख सकते हैं ये 10 सेकेंड्स रिवाइंड मतलब पीछे जा रहा है वीडियो। अगर आप 5 सेकेंड लेना चाहते तो आप राइट एरो की प्रेस कीजिए, 5 सेकेंड्स आगे जाएगा, और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो 5 सेकेंड्स पीछे जाएगा, मतलब जे और एल से 10 सेकेंड आगे पीछे हो रहा है, लेफ्ट और राइट एरो की से 5 सेकेंड्स आगे पीछे होता है, तो आप जो चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। अब आपने लेफ्ट और राइट एरो का यूज़ देख लिया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अप एंड डाउन एरो का भी यहाँ पे यूज़ होता है, जिससे हम वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो इसके लिए अप एंड डाउन एरो कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको टैप करना है, टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टैप ब्लू मार्क नीचे आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप पॉज और प्ले पे ब्लू आउटलाइन आ चुकी है, फिर टैप कीजिए आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट बटन पे आ चुका है, टैप कीजिए साउंड पे आ रहा है, टैप कीजिए इस पे आने के बाद। अब अप और डाउन एरो आप प्रेस कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्क्रीन के बीच में आप देख सकते हैं 0% आवाज़ हो गया, फिर अप एरो प्रेस करता हूँ 5, 10, 15 इस तरह से बढ़ते जा रहा है। अप एरो से आप आवाज़ बढ़ा सकते हैं, फिलहाल मैंने इसका आवाज़ म्यूट किया है, अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये आवाज़ कम हो गया, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये सेटअप मैंने इंस्टॉल किया है मेरे कंप्यूटर में, तो इसलिए मैं डायरेक्टली डेट्स के थ्रू इसे कनेक्ट करके इस तरह से
आप आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए टैप करके पॉइंट वहाँ पे लाना पड़ेगा, तभी ये एक्टिवेट होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट कीज़ मुझे बतानी थी, लेकिन आवाज़ आपको पूरा बंद ही कर देना है, मतलब म्यूट कर देना है, तो आप एम प्रेस कीजिए। एम प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये म्यूट हो चुका है। नीचे देखिए म्यूट, यहाँ पर साउंड के ऊपर क्रॉस आ चुका है, यानी कि म्यूट। आप दोबारा एम प्रेस करेंगे अनम्यूट, तो म्यूट और अनम्यूट करने के लिए एम, ये शॉर्टकट की आपको यूज़ करनी है। तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ मैंने अभी बताई आपको, एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए। आई प्रेस करते ही ब्राउज़र मिनिमाइज़ हो जाता है, मतलब आपका जो वीडियो प्लेयर है वो छोटा आ जाएगा। आई प्रेस करते ही नॉर्मल मोड, टी प्रेस करते ही सिनेमा मोड, एफ प्रेस करते ही फुल स्क्रीन, और एस्केप प्रेस करते ही दोबारा फुल स्क्रीन एग्जिट हो जाता है। आप यहाँ पे जे के एल प्रेस कर सकते हैं, के से वीडियो स्टॉप होता है, जे से क्या होता है, जे से 10 सेकेंड पीछे आता है जैसे, और एल से 10 सेकेंड आगे जाता है। ये मैं बस आपको रिवाइंड करा रहा हूँ शॉर्टकट कीज़ आपको याद रखने के लिए। एम प्रेस कर रहा हूँ म्यूट के लिए, सिंपल है। और लेफ्ट और राइट एरो प्रेस कर सकते हैं आप वीडियो 10 सेकेंड आगे और पीछे लेने के लिए, और अप एंड डाउन एरो प्रेस कर सकते हैं वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए। लेकिन उसके पहले आपको टैप करके यहाँ पे पॉइंट्स लेके आना पड़ेगा। ये ब्लू जो आउटलाइन है यानी कि सिलेक्शन, आपको यहाँ पे लेके आना है, फिर अप एंड डाउन एरो आप प्रेस कर सकते हैं आसानी से। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, जल्दी से कीजिए। क्या ना, अब मैं आपको बताऊं कि वीडियो नॉर्मल स्पीड में चालू है। नॉर्मल स्पीड से अगर आप इसका स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन प्रेस करना है। स्पीड यहाँ पे बढ़ेगा, ऊपर आपको दिख रहा है स्पीड बढ़ते जा रहा है, वीडियो का 2x हो चुका है। 2x एक फास्ट स्पीड रहेगा, 2x तक जाएगा ये स्पीड। अब ये स्पीड वीडियो फास्ट प्ले हो रहा है। अगर आप इसे नॉर्मल स्पीड में वापस लाना चाहते हैं तो शिफ्ट एंड लेस देन आपको प्रेस करना होगा, नॉर्मल स्पीड में ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल स्पीड 1x और उससे भी कम करना, मतलब स्लो करना है, तो अभी देखो 0.25x नॉर्मल स्पीड तो आ गया, फिर मैंने शिफ्ट और लेस देन किया तो 0.25x तक यहाँ पे स्लो हो गया वीडियो बहुत। तो फास्ट और स्लो आप कर सकते हैं शिफ्ट और ग्रेटर देन और शिफ्ट और लेस देन, ये शॉर्टकट की से ये याद रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आपको वीडियो फास्ट प्ले करना रहेगा दोस्तों। और हाँ जी दोस्तों, अगर वीडियो के बिगिनिंग में आपको जाना है तो डायरेक्टली आपको 0 प्रेस करना है, मतलब वीडियो फिर से बिगिनिंग से स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ अभी, और फिर से मुझे 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 बटन प्रेस कीजिए, या होम की भी आप प्रेस कर सकते हैं। कीबोर्ड पर होम की या 0 की प्रेस करेंगे तो वीडियो बिगिनिंग से स्टार्ट होता है। लेकिन आपको वीडियो 20% से स्टार्ट करना है तो क्या करना है, 2 प्रेस कीजिए, 30% के लिए 3, 40% के लिए 4, और ऐसे ही आगे 5, 6, 7, 8, 9 आप उतने परसेंटेज के लिए प्रेस कर सकते हैं। 5 मतलब 50, 6 मतलब 60%, ऐसे परसेंटेज में वीडियो आगे आगे बढ़ते रहेगा। बस 2 से स्टार्ट होगा, 9 तक यहाँ पे परसेंटेज आएगा, 2 से 20 आएगा, 1 से यहाँ पे 10% वगैरह होता नहीं, बस 0 से यहाँ पे स्टार्टिंग से वीडियो स्टार्ट होता है। जैसे मैंने 0 प्रेस किया तो स्टार्टिंग से वीडियो वो आप स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, अगर आपके वीडियो में यहाँ पे कैप्शंस दे रहेंगे यानी सबटाइटल्स आता है बहुत बार, यहाँ पे नीचे आता है, मेरे वीडियो में तो सबटाइटल्स नहीं है लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश वीडियो में सबटाइटल्स रहते हैं, अगर वो सबटाइटल्स देखना चाहते हैं आप तो आप सी बटन प्रेस करेंगे तो सबटाइटल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, कैप्शंस इंग्लिश में दिखाई देते हैं। यहाँ पे फिलहाल नहीं है, मैं कोई इंग्लिश वीडियो ओपन करूँगा उसमें सबटाइटल्स रहेंगे तो डायरेक्टली आपको वो सबटाइटल्स दिखाई देते हैं, आप सी प्रेस करेंगे तो सबटाइटल्स आते हैं नीचे इंग्लिश में लिख के। और अगर आप इस वीडियो से डायरेक्टली जाना चाहते हैं YouTube के सर्च बार में, यहाँ पे कुछ और दूसरा वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो आपको बस ये स्लैश प्रेस करना है, जो कि इमेज यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्लैश प्रेस कीजिए और आपका कर्सर कहाँ पे आ रहा है, डायरेक्टली सर्च बार में आ रहा है। और यहाँ पे मैंने क्या सर्च किया आपको दिखाई दे रहा है, कंप्लीट टेक्नोलॉजी। ऐसा आप कुछ और सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से सर्च कीजिए, टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो वीडियो से डायरेक्टली अगर आप सर्च बार में जाना चाहते हो तो स्लैश ये प्रेस करना है बटन कीबोर्ड पे, दैट्स इट। और अभी आखिरी शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं, अगर हमें यहाँ पे इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो की तरफ जंप करना है, जैसे यहाँ पे ये नेक्स्ट वीडियो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, अप नेक्स्ट करके आ रहा है, और इस वीडियो में हम माउस क्लिक करके आते हैं लेकिन आपको कीबोर्ड से आना है, तो उसके लिए बस शिफ्ट और एन बटन आपको प्रेस करना है। शिफ्ट एन से आप नेक्स्ट वीडियो में चले जाएंगे, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में आप आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे ओपन हो गया है, यहाँ पे एडवर्टाइज आई है बीच में, और आप यहाँ पे उसका टाइटल देख सकते हैं, नए वीडियो में आ चुके हैं। लेकिन आपको प्रीवियस वीडियो में जाना है तो प्रीवियस वीडियो यहाँ पे ये स्किप ऐड करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, प्रीवियस वीडियो का यहाँ पे बटन नहीं आ रहा है, बस नेक्स्ट आप जा सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो का बटन कब आता है या उसकी शॉर्टकट की क्या है, प्रीवियस वीडियो का बटन तब आता है जब आप प्लेलिस्ट ओपन करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट ओपन करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्लेलिस्ट है। मैं एक प्लेलिस्ट प्ले कर देता हूँ और इस प्लेलिस्ट में अभी वीडियो नंबर 1 प्ले हो रहा है, तो शिफ्ट एन प्रेस करूँगा
तो वीडियो नंबर 2 यहाँ पे प्ले होगा क्योंकि मैंने नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे ले लिया है। और अगर प्रीवियस वीडियो चाहिए मुझे तो शिफ्ट पी प्रेस करने से हम प्रीवियस वीडियो पे आ जाते हैं। दैट्स इट, इतना ही है। शिफ्ट एन, नेक्स्ट वीडियो, शिफ्ट पी, प्रीवियस वीडियो। तो ये थी आखिरी शॉर्टकट की। सो ये थे दोस्तों यूट्यूब के शॉर्टकट। अगर आप आज से यूट्यूब कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर रहे हो तो ये सारे शॉर्टकट आप यूज करेंगे जरूर, आपका यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टनेस बढ़ने वाला है। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक कर दिया ना, मैंने पहले से बोला था आपको लाइक करने के लिए, किया ही होगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट लिख के मुझे बताइए कि कैसा था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल पे और भी मोबाइल टिप्स और कंप्यूटर टिप्स के वीडियोज है वो भी देख लेना। लेता हूं आपसे अलविदा, सीखते रहो, सिखाते रहो, मेरे चैनल के वीडियोज देखते रहो। बाय बाय।